बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि इन दोषियों को मौत की सजा के बाद वाला दंड यानी उम्र कैद मिली थी, ऐसे में वो 14 साल की सजा काट कर कैसे रिहा हुए। गुजरात सरकार से पूछा कि 14 साल की सजा के बाद रिहाई की राहत बाकी कैदियों को क्यों नहीं मिली। 2002 में गोधरा दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था, उनके परिवार के साथ लोगों की हत्या हुई थी। इस केस में 11 लोग दोषी पाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेलें कैदियों से भरी पड़ी हैं, तो उन्हें सुधार का मौका क्यों नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि बिल्किस के दोषियों के लिए जेल एडवाइजरी कमेटी किस आधार पर बनी, एडवाइजरी कमेटी का ब्यौरा दीजिए। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब गोधरा की अदालत ने ट्रायल नहीं किया तो उससे राय क्यों मांगी गई। बिल्किस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 24 अगस्त को होगी। गुजरात सरकार की एक कमेटी की रिपोर्ट के बाद 15 अगस्त 2022 को बिल्किस बानो मामले के सभी दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया था। दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन पिछले साल गुजरात सरकार ने सजा माफी की नीति के तहत इन्हें रिहा कर दिया था। रिहा किए गए लोगों में से कुछ 15 साल तो कुछ 18 साल की जेल काट चुके हैं। पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी। दाखिल सभी दोषियों को समय से पहले रिहा करने के फैसले के खिलाफ बिल्किस बानो ने पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। उन्होंने गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। तब गुजरात सरकार के कदम की आलोचना करते हुए बिल्किस ने कहा था कि इतना बड़ा और अन्यायपूर्ण फैसला लेने से पहले किसी ने उनकी सुरक्षा के बारे में नहीं पूछा और न ही उनके भले के बारे में सोचा। उन्होंने गुजरात सरकार से इसे बदलने और बिना डर के शांति से जीने का अधिकार देने को कहा। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार। गुरु फतेह। आदाब। नमो बुद्धा।